तो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और जैसा कि आज हम लेक्चर नंबर 7 करा रहे हैं, इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर है 14। तो क्या दे रखा हमारा 14 नंबर में क्वेश्चन में, 1 - tan² α / cot² α - 1 हमें प्रूफ करना है कि इक्वल होता है टेन स्क्वायर एल्फा के। तो बेटे ले लेते हैं इसे, इधर की साइड में ले लेंगे 14 1 - tan² α / cot² α - 1 इक्वल क्या प्रूफ करना है हमें, टेन स्क्वायर एल्फा का इक्वल करना है। तो क्या ले लेते हैं बेटे, टेकिंग LHS ले लेते हैं, LHS ले लेंगे। लो बेटे LHS को क्या हो गया, 1 - tan² α / cot² α - 1 यही होता है बेटे। तो इसमें टेन और कॉट दिख रहे हैं, तो बेटे इनको किस में खोलना है, साइन और कॉस में, जैसा कि हम हर बार करते आ रहे हैं। तो साइन और कॉस में खोलते हैं तो बेटे क्या हो जाएगा, ऊपर वाले को खोलेंगे, 1 - sin 10 को खोला तो क्या होगा बेटे, sin² α / cos² α। क्लियर है, टेन किस में खुल जाता है, साइन अपॉन कॉस में खुल जाता है, स्क्वायर लग रहा तो बेटे स्क्वायर लगा दिया, अपॉन कॉट को खोलेंगे तो किस में खुल जाएगा, cos² α / sin² α - 1। ठीक है बेटे, तो हमारे यहाँ पे कौन कौन सी आइडेंटिटी लगी उनको लगा लेते हैं। एक तो लग गई टेन थीटा वाली, क्या होता है बेटे, sin θ / cos θ, और दूसरी लग गई बेटे cot θ वाली, क्या होता है बेटे, cos θ / sin θ। क्लियर है बेटे, यही दोनों लग गई हैं। तो देखो वही है बेटे, साइन और कोस में खोलने के बाद में हमें कौन सा पैटर्न अपनाना पड़ता है बेटे, LCM भरा, LCM ऊपर वाले में ले लेते हैं, नीचे वाले में रख लेते हैं। तो देखेंगे ऊपर वाले में LCM क्या आ रहा है बेटे, ऊपर वाले में आएगा बेटे cos² α / यही आएगा, नहीं आएगा तो देखो वन के नीचे क्या मान लेता हूँ, वन से डिवाइड करेंगे cos² α को, तो cos² α का 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया बेटे, cos² α। क्लियर है, क्या आ गया हमारा, cos² α आ गया। माइनस का साइन है तो माइनस का लगा दिया, cos² α से cos² α गया 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई sin² α से किया तो क्या आ गया बेटे यहाँ पे, sin² α। ठीक है, ऊपर वाला टर्म्स न्यूमिनेटर सॉल्व हो गया, और डिनोमिनेटर को करते हैं बेटे हम, डिनोमिनेटर में क्या LCM आ रहा है बेटे हमारा, sin² α आ रहा है, sin² α से sin² α गया 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई cos² α से किया तो बेटे क्या आ जाएगा हमारा, cos² α। क्या आ जाएगा बेटे, cos² α, माइनस का साइन है तो बेटे माइनस का कर दिया है, 1 के नीचे बेटे मैं क्या मान लेता हूँ, 1 से डिवाइड करेंगे sin² α को, कितनी बार, sin² α बार, sin² α मल्टीप्लाई 1 से किया तो बेटे क्या आ जाएगा, sin² α। ठीक है बेटे, हमने LCM ली थी दोनों तरफ। तो देखो ऊपर वाले की जो बेटे हमने बताई थी वही वाली चीज़ याद कर लो, ऊपर वाले की चौंस तो आ जाएगी नीचे, और नीचे वाले की पहुंच जाएगी ऊपर। ठीक है, नहीं है तो देखो बेटे इधर देखते हैं आगे। तो देखो बेटे ऊपर क्या है हमारा, cos² α - sin² α, और इसके साथ में क्या आ गया बेटे, ऊपर ले गए किसको, sin² α को, तो इनटू में आ गया हमारा sin² α / नीचे क्या है बेटे हमारा, ये वाला है cos² α - sin² α, और इसके साथ नीचे क्या है, इसको लिया बेटे cos² α को लेकर आए थे तो मल्टीप्लाई में आ गया बेटे cos² α। ठीक है, तो बेटे इससे ये वाला स्टेप गया तो क्या बच गया अब हमारा, ऊपर sin² α / cos² α। ठीक है, नहीं है तो बेटे sin² α / cos² α, तो यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लग गई बेटे हमारी, कि sin θ / cos θ इक्वल क्या होती है बेटे हमारी, tan θ होता है। यही वाली लग रही है, नहीं लग रही है यहाँ पे, क्लियर है तो लगा दो, sin / cos है तो लग गया बेटे tan α, दोनों पे स्क्वायर लग रहा था बेटे, इसका भी क्या जाएगा tan² α। क्लियर है, जो हमारी लेफ्ट हैंड आई है वो किसके इक्वल है हमारी, RHS के इक्वल आई है, RHS। तो हम कर सकते हैं कि LHS इक्वल हमारा हो जाएगा RHS के, और यही क्या हो गया बेटे हमारा, हैंड्स प्रूफ होता है। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बेटे, ओनली क्या करते आ रहे हैं, साइन कॉस में खोलते आ रहे हैं और LCM लेके आ रहे हैं। क्लियर,
ओनली और ओनली बेटे आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए इसमें, ठीक है, क्लियर नहीं है, नोट करो। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या दे रखा है, साइन थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा इक्वल वन प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो एक थोड़ी बेटे सरसरी नज़र से देखो आप कि ये जो दे रखा है बिल्कुल उल्टा करके दे दिया है, बस किसका अंतर है बेटे, साइन का, किसका अंतर है ओनली साइन का, वैसे क्या कर दिया बिल्कुल उल्टा कर दिया है। तो बेटे हमेशा याद रखो जब हमारा ओनली साइन का ही अंतर है तो बेटे एक ही चीज़ में हमारा साइन का अंतर होता है क्या, देखो पहले नोट कर लेते हैं। ठीक है बेटे यही है, तो क्या ले लेते हैं एल एच एस को ले लेते हैं इसमें से, टेकिंग एल एच एस ले दो तो बेटे क्या हो गया, साइन अपॉन वन माइनस कॉस थीटा, क्लियर है बेटे। तो मैंने एक ही चीज़ कहा है बेटे, जब हमारा हमें बिल्कुल अपोजिट आ रहा है लेकिन ओनली किसका अंतर है बेटे, साइन का, तो बेटे एक ही चीज़ से होता है, किससे, प्रमेयकरण अर्थात रेशनलाइजेशन से। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई वाई वन प्लस कॉस थीटा, वन प्लस कॉस थीटा कहाँ पर बेटे, इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, क्लियर है बेटे। ऊपर और नीचे किसका मल्टीप्लाई करना है हमें, वन प्लस कॉस थीटा का, बिल्कुल अपोजिट साइन का। तो देखो बेटे करके देखते हैं क्या हो गया, साइन थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा। तो बेटे आपको क्या नज़र आ गया, यहाँ पे क्या कर दिया है हमने, यहाँ पे हमने कर दिया है बेटे रेशनलाइजेशन कर दिए, क्लियर है नहीं है, तो दूसरी भाषा में से क्या कर देते हैं रेशनलाइजेशन। देखो बेटे एक चीज़ है, हमने क्या किया, साइन चेंज करना था कि हमें यहाँ माइनस है ओनली या प्लस आना चाहिए और वो अपोजिट आना चाहिए, तो हमने देखा कि बेटे साइन चेंज तो हम एक ही चीज़ में करते हैं, किस में करते हैं रेशनलाइजेशन में। तो देखो बेटे क्या है हमारा, आगे करते हैं स्टेप, न्यूमरेटर का करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा का मल्टीप्लाई वन प्लस कॉस थीटा, और इन दोनों का किया तो बेटे क्या आ जाएगा, वन माइनस कॉस थीटा और वन प्लस कॉस थीटा, क्लियर है बेटे। तो एक नीचे क्या बनना है बेटे हमारा, क्या बन गया बेटे, ए माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लग गया, नहीं लग गया, तो देखो बेटे आगे कर लेते हैं इधर की साइड में, तो देखो क्या हो जाएगा, ऊपर तो यही आ जाएंगे क्योंकि बेटे साइन थीटा वन प्लस कॉस थीटा, क्लियर। फिर नीचे देखो बेटे ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर कितना हो गया वन बेटे, माइनस है तो माइनस कर दिया, फिर बेटे क्या बी स्क्वायर, बी क्या बेटे कॉस, तो कॉस का स्क्वायर क्या होता है बेटे कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर है बेटे, नहीं है यहाँ तक। तो आपको एक और चीज़ देख रहे हैं नीचे क्या लग रहा है बेटे, हमारी आइडेंटिटी लग रही है, तो आइडेंटिटी लगा देंगे, क्या होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो बेटे साइन थीटा वन प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, यही है ना साइन स्क्वायर थीटा। तो बेटे ये गई बेटे इसके स्क्वायर से, गई कि नहीं गई, तो क्या बच गया, अब ऊपर तो बच गया बेटे वन प्लस कॉस थीटा अपॉन, नीचे बच गया साइन थीटा। तो बेटे ये किसके इक्वल है हमारे आरएचएस के, किसके इक्वल है हमारे आरएचएस के, दूसरी साइड में लिख सकते हैं बेटे एलएचएस इक्वल हो गया हमारा आरएचएस, यही क्या हो गया बेटे हमारा हैंस प्रूफ, क्लियर है बेटे। तो समझ में आया क्या किया था हमने, ओनली बेटे अपोजिट होकर साइन चेंज हो रहा था, साइन चेंज एक ही चीज़ से कर सकते हैं, कैसे बेटे रेशनलाइजेशन से, हमने क्या कर दिया कि मल्टीप्लाई बाय वन प्लस कॉस थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स, क्लियर है बेटे, नहीं है समझ में आ गया, ठीक है तो नोट करो। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट साइन सिक्स
थीटा प्लस कॉस सिक्स थीटा इक्वल वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा इन टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो बेटे कभी किसी किसी बुक में आपकी यहाँ पे साइन की पावर थ्री दे रखी है, ओनली क्या करना है स्क्वायर ही करना है, उसे सही कर लेना। तो देखो बेटे अब आगे मैं करता हूँ, उसे इधर नोट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा बेटे साइन सिक्स थीटा प्लस कोस सिक्स थीटा इक्वल वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है बेटे? तो क्या ले लेते हैं बेटे, एलएचएस ले लेते हैं। साइन सिक्स थीटा प्लस कोस सिक्स थीटा, ठीक है बेटे। तो देखो बेटे क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम साइन स्क्वायर थीटा का पावर क्यू प्लस कॉस स्क्वायर की पावर क्यू लिख सकता हूँ बेटे इस फॉर्म में। क्लियर नहीं है, लिख सकता हूँ, लिख सकता सिक्स की पावर को ब्रेक करके लिख दिया है टू और थ्री और टू और थ्री में। क्लियर है? तो बेटे यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग गया, अब हमारा फॉर्मूला लग रहा है, नहीं लग रहा है कोई सा, तो हमारा फॉर्मूला लग रहा है बेटे ए क्यू प्लस बी क्यू। क्या होता है बेटे ए क्यू प्लस बी क्यू, क्या होता है हमारा, ये होता है बेटे ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्लियर है बेटे? ए क्यू प्लस बी क्यू को किस में खोल सकते हैं, ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्लियर है? तो इसमें ब्रेक करते हैं इसे, ए प्लस बी, ए क्या माना है बेटे मैंने साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर क्या ए है और कॉस स्क्वायर हमारा क्या है बी। तो बेटे क्या हो जाएगा ए प्लस बी, तो ए प्लस मतलब ए क्या हो गया बेटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी, बी क्या है बेटे हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर नहीं है बेटे? फिर ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर बेटे ए क्या है बेटे मेरा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा ए है, तो फिर इसका स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस है तो प्लस, बी स्क्वायर बी क्या है बेटे मेरा कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस है तो माइनस, ए बी, ए बी क्या हो गया बेटे हमारा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है बेटे? यही हो गया, नहीं हो गया यहाँ पे, आया नहीं आया समझ में, ए प्लस बी, तो ए क्या माना था बेटे हमने साइन स्क्वायर थीटा को ए माना था, कॉस स्क्वायर थीटा को बी माना था, तो ए प्लस बी, तो ए की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए, ए क्या है बेटे साइन स्क्वायर थीटा ए है तो उसका स्क्वायर, बी क्या है बेटे कॉस स्क्वायर थीटा बी है तो उसका स्क्वायर माइनस ए बी। क्लियर है बेटे? तो देखो बेटे क्या लग रहा है यहाँ पे, एक आइडेंटिटी लग रही है उसे लिख देते हैं, कौन सी लग रही है बेटे साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होती है बेटे वन। लग रही है नहीं लग रही है? तो क्या कर देंगे बेटे इसकी जगह पे हम वन लिख देते हैं, वन लिख दिया इसकी जगह पे, फिर आगे देखते हैं बेटे क्या हो गया, साइन क्या हो गया बेटे फोर हो गया, साइन का पावर फोर प्लस कॉस की पावर फोर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है बेटे? तो बेटे यहाँ पे कुछ समझ में आया, हमने इसे लास्ट लेक्चर कराया था उसमें क्वेश्चन कराया था कि अगर हमारे लिए ये कराए थे, नहीं कराए थे बेटे कि अगर 4 और 4 पावर हो प्लस में आ रहे हों, 8 हो प्लस में आ रहे हों, 16 हो तो प्लस में आ रही हो, 32 हो तो प्लस में आ रही हो, तो क्या कर देते हैं हम, क्या कर देते हैं इसका बेटे ऐड एंड सबट्रैक्ट। बताया था नहीं बताया था, याद रखो बेटे, देखो 4 है फिर उसके बाद में दुगनी हो गई 4 की 8, 8 की दुगनी हो गई 16, 16 की दुगनी हो गई कितनी 32, 32 की दूरी कितनी है 60 वो, तो बेटे इस पॉपर्स में हो तो लगता है देखो यहाँ पे प्लस में था लेकिन किस में था बेटे 6 में,
तो सिक्स को पहले ब्रेक किस में किया था हमने, ए प्लस बी में, क्लियर है नहीं है, इन पावर्स का ध्यान रखना बेटे। अब हमारी पावर कितनी है, फोर है, कितनी है, एट है, सिक्सटीन है, थर्टी टू है, मतलब इसका दोगुना, फोर का दोगुना एट, एट का दोगुना सिक्सटीन, सिक्सटीन की दोगुनी थर्टी टू, क्लियर है नहीं है। तो बेटे कौन सी लगा देते हैं डायरेक्ट, ये लगा देते हैं। तो हमने देखा था कि यहाँ पर भी बेटे प्लस में है, लेकिन यहाँ की पावर कितनी थी, सिक्स सिक्स। तो बेटे इसे पहले ब्रेक कर लिया थ्री वाली पावर्स में, मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू में, क्लियर है। उसके बाद में हमने इसे ब्रेक करने के बाद में कौन सी कंडीशन बन गई बेटे, ये वाली, ये पावर्स आ रही है नहीं आ रही है, कि साइन की पावर फोर और कॉस की पावर फोर, क्लियर है। तो कौन सा लगा देंगे बेटे, इसी को ऐड कर देंगे और इसी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्लियर है। बन गई हुई कंडीशंस, क्लियर है नहीं है, आ रहा नहीं समझ में, ठीक है बच्चों, नहीं है बेटे। क्या हो गया, प्लस हमारे यहाँ पे सिक्स सिक्स है, तो इसलिए पहले हमने किस में खोला था, ब्रेक कर लिया थ्री और थ्री की पावर में, ए क्यू प्लस बी क्यू में तोड़ दिया। अब लेकिन यहाँ पे आगे स्टेप चल के हमारा कौन सा स्टेप बन गए, ये वाला, क्लियर है। फोर वाला तो क्या कर देंगे बेटे, हम एड एंड सब्ट्रैक्ट, क्या करना है बेटे, ऑफ टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर है बेटे। इसको क्या करना है, ऐड करना है और हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो बेटे, वन का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो बेटे वन तो कुछ नहीं चेंज होगा, तो क्या आ जाएगा बेटे, साइन की पावर फोर थीटा प्लस कॉस की पावर फोर थीटा। तो बेटे इसी के जस्ट साथ में लिख देते हैं ऐड करके इसे, टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इतना ही बेटे हमने ऐड कर दिया, इतना ही हम क्या कर देंगे, माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर है बेटे। इतना ही हमने ऐड किया, इतना ही हमने माइनस कर दिया। अब क्या बचा बेटे, ये वाला स्टेप बच रहा है कि नहीं बच रहा है अभी हमारा, तो इसको भी नोट कर दो नीचे, इस वाले स्टेप को, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर है बेटे। समझ में आया नहीं आया, हमने उतना ही ऐड कर दिया, उतना ही माइनस करते हैं। क्यों करते हैं बेटे उतना ही, क्योंकि बेटे कभी भी जो हमारा क्वेश्चन होता है उसमें हम अपने मन से कभी भी कोई चीज़ चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। तो हमने बेटे जितना प्लस किया उतना ही माइनस कर दिया, क्यों, क्योंकि बेटे अगर आप इसे काट के देखेंगे तो बेटे उतना ही बचेगा जितना पहले था इसमें। कुछ हमने एडवांस जोड़ दिया है कि नहीं, क्योंकि जितना जोड़ा उतना ही हमने साथ में क्या किया है, माइनस किया है, क्लियर है। इसका मतलब है ये क्वेश्चन हमारा इसी के यहीं की यहीं है, क्लियर है। नहीं देख लो, इससे ये कट रहा है तो क्या बच रहा है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला टर्म्स बच रहा है कि नहीं बच रहा है, ठीक है, क्लियर। तो देखो बेटे वो आगे इधर देख लेते हैं, तो बेटे वही वाली हो गई, क्या कंडीशंस बन रही है वो हमारी यहाँ पे। तो ये क्या बनना है, अभी पहले लिखाया था तुरंत, तो हमने कराया था लास्ट लेक्चर में कराए थे क्वेश्चंस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इक्वल क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बनना है बेटे, यहाँ तक बढ़ना है बेटे ये वाला, क्लियर है। यहाँ पे ए का काम क्या कर रहा है, साइन स्क्वायर ए का काम कर रही है, बी का काम कॉस स्क्वायर बी का काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो बेटे ये वाला यहाँ से यहाँ तक का क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बन गया बेटे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए क्या था बेटे हमारा, साइन स्क्वायर थीटा ए था और कॉस स्क्वायर थीटा बी था, तो क्या हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ तक हो गया। अब देखो यहाँ से माइनस का टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस का ही क्या है बेटे हमारा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो दो तो ये हैं, एक ये है, तो कितने हो गए बेटे ये हमारे, थ्री साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर है बेटे, नहीं है, हो गए नहीं हो गए। तो देखो अब कौन सी आइडेंटिटी लग गई यहाँ पे बेटे हमारी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है बेटे हमारा, वन, लग रही है नहीं लग रही है बेटे ये वाली, तो कर दो पुट, इसकी जगह पे क्या कर दिया वन, फिर बेटे इसका स्क्वायर हो रहा तो इसकी वन का भी स्क्वायर कर दिया, माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो बेटे वन की जगह पे वन आ गया और थ्री साइन स्क्वायर थीटा इंटू
कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू जो आई है बेटे किसके इक्वल आई है, आरएचएस के, किसके इक्वल आई है बेटे आरएचएस के। तो हम कर सकते हैं कि एलएचएस इक्वल हो गया हमारा आरएचएस, यही क्या हो गया बेटे हमारा हैंस रूट। क्लियर है बेटे? तो बेटे सभी समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? क्लियर है? तो हमारा अगर यहाँ पे 4, 8, 16, 32, 64 ये पॉवर्स आती हैं तो डायरेक्टली हम बेटे इनको ऐड कर देते हैं। इनके अलावा प्लस में हमारी 6 है, 12 है या ये पॉवर्स आती हैं तो बेटे इनको क्या कर लेते हैं, पहले ब्रेक करते हैं। ब्रेक कर लिया था इसमें तो, लेकिन यहाँ पर यहाँ आकर के हमारी कौन सी कंडीशन बन गई थी बेटे, वही वाली साइन की पावर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। क्लियर है बेटे? तो यहाँ आकर हमने क्या कर दिया, इतना ही ऐड करते उतना ही माइनस कर दिया। क्लियर? ठीक है, नहीं है नोट करो बेटे। ठीक है बच्चों, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो बेटे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि हम आपको समाधान बता सकें। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।